हेलो एवरीवन, आप लोगों का एग्जाम तैयारी ऑनलाइन में स्वागत है। आज हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे पार्टनरशिप का भाई, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं पार्टनरशिप के टॉपिक से भाई, देखिएगा ध्यान से। टॉपिक का नाम रहेगा भाई आज का हमारा पार्टनरशिप भाई, हिंदी में कहेंगे साझेदारी भाई, हिंदी में कहेंगे साझेदारी, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं और ये टोटली जो टॉपिक है हमारा रेशियो बेस ही है, मतलब रेशियो जैसे जैसे पढ़ा है हम लोगों ने उसी वाले कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज होता है या छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज होता है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। देखो भाई, एक चीज ध्यान रखिएगा, साझेदारी में क्या रहता है। मान लो एक बंदा ए है, बड़ा ले लेते कैपिटल ए, एक बंदा बी है भाई, एक पर्सन ए है और एक पर्सन कौन है भाई, बी भाई। साझेदारी में हम सीखेंगे क्या, साझेदारी में हम लोग हिस्से बांटने, हिस्से बांटने का मतलब मान लो कोई बिजनेस आपने पार्टनरशिप में शुरू कर लिया भाई, ठीक है। मतलब आपने और आपके दोस्तों ने कोई बिजनेस शुरू कर लिया, कहीं ना कहीं उस बिजनेस में प्रॉफिट भी होना है या फिर लॉस, जो भी है प्रॉफिट या फिर लॉस, तो प्रॉफिट मान लेते हैं होना है। उस प्रॉफिट को आप दोनों किस तरीके से बांटोगे, ठीक है। बस पूरा टॉपिक हमें यही बात सिखाएगा कि हमें प्रॉफिट बांटना कैसे होता है, ठीक है। ठीक, चलिए फिर देखो भाई, आप हो ए, आपका फ्रेंड है बी भाई, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट भी होगी, कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट होगी, कोई ना कोई तो पूंजी लगेगी। तो वो पूंजी मैंने मान लिया आपकी ए और आपके फ्रेंड ने पूंजी लगाई बी। फिर बात करेंगे टाइम की भाई, कितने समय के लिए आपने पूंजी लगाई है, कितने समय के लिए आपने पूंजी लगाई। मान लेते आपने T1 टाइम के लिए पूंजी लगाई, आपके दोस्त ने T2 टाइम के लिए पूंजी लगाई। तो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, PSR बोलेंगे उसको, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब किस रेशियो में आप प्रॉफिट को बांटने वाले हो, ठीक है। तो वो रेशियो भाई बनेगा आपका कैसे, आप इन्वेस्टमेंट की और टाइम की गुना कर लेंगे, इन्वेस्टमेंट की और टाइम की गुना कर लेंगे, और जो रेशियो इनके बीच में बनेगा, जो रेशियो इनके बीच में बनेगा उसी रेशियो में प्रॉफिट को बांटा जाता है। बस पूरा का पूरा टॉपिक सिर्फ इसी के ऊपर घूमने वाला है जो मैंने अभी सिखाया आपको, जो अभी बेसिक समझाया, पूरा टॉपिक भाई, नथिंग एल्स। इसके अलावा इसमें 99% तो कुछ यूज नहीं होगा, यही यूज होता है, ठीक है। 1% एक आध चीजें प्रॉफिट लॉस की जुड़ जाएंगी, वो बात अलग है, ठीक है। तो हम बस इस तीन चीजों से ही पूरा टॉपिक पढ़ रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट आपने ए की, आपके फ्रेंड की इन्वेस्टमेंट बी है, आपने पैसा T1 टाइम के लिए लगाया, मान लो आपने पैसा 2 साल के लिए लगाया, आपके फ्रेंड ने पैसा 1 साल के लिए लगाया। आप अपने पैसे को 2 साल से गुना करके लिख दो, आपके फ्रेंड के पैसे को 1 साल से गुना करके लिख दो, फिर काट लो। काटने के बाद जो रेशियो बनेगा उस रेशियो में प्रॉफिट बांट लेना, वही आपका आंसर रहेगा, ये वही आपके हिस्से रहेंगे, ठीक है। एक बार इसको कॉपी कर लो, फिर मैं क्वेश्चन से लिखवाता हूं बोर्ड पे और आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए तो भाई उतार लिया होगा, तो पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं बोर्ड पे, करीबन 2 क्लास हम लोग कर रहे होंगे इस टॉपिक की, ठीक है। चल देखिए, 2 क्लास में ये खत्म हो जाएगा हमारा। देखिएगा भाई, पहला क्वेश्चन लिखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए और बी, ए और बी ने 36,000 रुपये और 63,000 रुपये लगाकर एक
व्यापार शुरू किया, एक व्यापार शुरू किया और दो साल के अंत में, दो साल के अंत में, अंत में लाभ को उनके बीच, उनके बीच किस अनुपात में, किस अनुपात में बांटा जाएगा, बांटा जाएगा। ठीक है भाई, लिख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। तो देखिए भाई, क्वेश्चन लिख लिया होगा आपने। क्वेश्चन ने क्या कहा, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला पढ़ लिया यहां पे। देखो मैंने फॉर्मूला तो नहीं लिखवा, इन्वेस्टमेंट होता है, सॉरी प्रॉफिट होता है। मैंने क्या पढ़ाया आज आपको, प्रॉफिट, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पढ़ाया था ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट याद रख लिया। प्रॉफिट जो होता है वो होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। मैंने ये लिखवाया था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में इन्वेस्टमेंट को टाइम से गुना कर दो। याद रखना अभी, प्रॉफिट जो होता है इक्वल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के। यहां से आप अदर चीजें भी निकाल सकते हो। मान लो आपको टाइम निकालना है, इन्वेस्टमेंट को नीचे ले आओ प्रॉफिट के, प्रॉफिट बटे इन्वेस्टमेंट, आप ऐसे भी लिख सकते हो। क्लियर है बात, इन्वेस्टमेंट निकालनी हो प्रॉफिट को टाइम से भी भाग दे सकते हो। ठीक है, वो देख लेंगे हम लोग जैसी रिक्वायरमेंट पड़ेगी उस हिसाब से। तो ध्यान रखेंगे, प्रॉफिट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम में। चलिए अब देखिएगा, आई से इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। ए ने कितने हजार रुपए लगाए भाई, 36,000। बी ने कितने रुपए लगाए भाई, 63,000। अब टाइम की बात करते हैं, कितने कितने टाइम के लिए लगाए भाई, 2 साल, दोनों के दो दो साल है, इसके भी 2 साल है, इसके भी 2 साल है। हम निकाल लेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, या प्रॉफिट निकाल लेंगे। प्रॉफिट मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम करना है, तो कर दो भी दोनों की गुना। 36 की 2 से गुना करोगे 72, क्लियर। 63 की 2 से करोगे 126 और पीछे 3 0, 1,26,000। काट लेंगे आपस में, 1 2 3, 1 2 3, बाकी भी कट जाएंगे। कितने पे कट रहा है, 2 पे तो कट ही रहा है, काट लो 36, 2 6 12, 2 पे 63, 9 पे काट लो, 9 चौके 36, 9 7 63। तो हमारा उत्तर आएगा 4:7 पे, हमारा आंसर कितना बनेगा, 4:7 पे। अब इसको आसान कैसे करें, इसको और आसान कैसे करना है उसकी बात कर लेते हैं। ठीक है, पहले एक बार इतना उतार लीजिए, इसको देखो और आसान कैसे करना है। और आसान करने के लिए आप आमने सामने चीजों को काट सकते हो, आमने सामने में, देखो ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे ऐसे, आमने सामने, बस आपस में नहीं काटना, ध्यान रखना। एक कट गए, पहले ही काट दो, 2 से 2 कट गया, 9 चौके 36, 9 7 63, तो 4 यहां से कितना है, 7। कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी और जल्दी से आपका आंसर बनेगा। ठीक है, 4:7 पे उतार दो, फटाफट से उतार दो। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग भाई, क्लियर है ये तो आपको। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर दो क्या कह रहा है। ए 50,000 रुपए की पूंजी निवेश करके, पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू करता है। 3 माह के बाद बी
70,000 रुपये लगाकर उस व्यापार में शामिल होता है, उस व्यापार में शामिल हो जाता है। क्लियर है इतनी बात? ज्ञात करें वर्ष के अंत में उन्हें किस अनुपात में लाभ प्राप्त होगा। ठीक है भाई, उतार लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को फटाफट से, एक बार वीडियो पॉज करके। चलिए तो देखिएगा भाई, फिर एक ए है और एक बी है। ठीक है भाई, इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। इसने तो 50,000 रुपये लगा दिए और उस भाई ने 70,000 लगा दिए। 70,000 में टाइम की बात करते हैं। अब देखना, ए 50,000 की पूंजी लगा के व्यापार शुरू करता है, 3 महीने बाद बी 70,000 लगा के व्यापार में शामिल हो जाता है वर्ष के अंत में। तो 1 साल का टाइम है, अगर टाइम ना भी दिया हो तो 1 साल ले लेना। ठीक है, 1 वर्ष के अंत में। तो ए ने तो व्यापार शुरू करा था पूरा 1 साल, मतलब 12 महीने ए ने तो व्यापार शुरू किया था वर्ष के अंत, मतलब 1 साल पूरा, मतलब 12 महीने में। उसके बाद बी आया तीन महीने बाद, मतलब 12 महीने टोटल थे, 3 महीने बाद आया, मतलब कितने महीने रह गए? 9 महीने रह गए। कितने महीने रह गए भाई इसके? 9 महीने इसने काम किया है। क्लियर है इतनी बात? चलिए तो प्रॉफिट का रेशियो निकाल लेते हैं, प्रॉफिट निकाल लेते हैं। मैंने आपको बताया पहले ही काट लिया करो, अगर कटते हैं तो 3 3 9, 3 4 12 गुना कर लो, 5 4 20, 7 3 21 में। बस यही हमारे क्वेश्चन का उत्तर रहेगा, 20:21 भाई, 20:21। इस रेशियो में ए और बी अपने पैसे विभाजित करेंगे। कॉपी करिए फटाफट से भाई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए तो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए तथा बी एक व्यापार में कर्मस है 36,000 रुपये तथा 63,000 रुपये निवेश करते हैं। ठीक है, तो 5,500 रुपये के वार्षिक लाभ में दोनों का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, जो पहले वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, उसी में एक लाइन एक्स्ट्रा ऐड कर दिया। ठीक है, चलिए तो देखिए फिर कैसे बनाना है इसको भी। क्वेश्चन है भाई, एक बंदा ए है और एक बंदा बी है, इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं सबसे पहले। तो ए ने तो लगाए हैं 36,000 भाई, और बी ने लगाए हैं भाई 63,000। बी ने लगाए हैं कितने? 63,000। अब समय
समय कैसे लोगे? उसने कहा 5500 रुपए के वार्षिक लाभ में। वार्षिक मतलब एक साल का टाइम हो गया, वार्षिक मतलब पूरा वर्ष में एक साल। तो प्रॉफिट निकाल लो भाई, प्रॉफिट मैंने सिखाया पहले तो काट लो इनको, कटते हो तो 4, 9 + 36 = 9 = 73, 4:7 में। तो 4:7 के अनुपात में लाभ को बांटा जाएगा। किस लाभ कैसे बटेगा भाई? 4 और 7 के रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अभी तक हमने सिर्फ रेशियो बनाने सीखे थे दो क्वेश्चनों में कि भाई किस रेशियो में प्रॉफिट बटेगा। अब की बार उसने प्रॉफिट दे दिया, ठीक है, अब की बार उसने प्रॉफिट दे दिया तो उस प्रॉफिट को बांट देंगे इस रेशियो में। तो रेशियो में बांटना मैं पहले ही टॉपिक में सिखा चुका हूं रेशियो के, कैसे 7 और 4 = 11 में। 11 यूनिट बराबर है 5500 के, 1 यूनिट बराबर है किसके भाई तुम्हारा 500 के। 1 यूनिट 500 तो 4 यूनिट कितनी होगी भाई? 4 यूनिट कितनी होगी? 2000। 7 यूनिट कितनी होंगी भाई? 7 × 500 3500 रुपये भाई। बस ए को 2000 मिलेंगे, बी को 3500 रुपये मिलेंगे, ठीक है। उतार लीजिए इसको एक बार, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कॉपी करिए फटाफट से करिए भाई। हो गया होगा, चलिए तो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा भाई, फोर्थ क्वेश्चन है हमारा ए तथा बी ने कर्मशः, ए तथा बी ने कर्मशः 185,000 रुपये तथा 2,25,000 रुपये, 2,25,000 रुपये की पूंजी निवेश करके, की पूंजी निवेश करके एक व्यापार शुरू किया, ठीक है। यदि एक वर्ष के अंत में बी ने 9,000 रुपये, 9,000 रुपये का लाभ, 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया हो, 9,000 रुपये का लाभ प्राप्त किया हो तो ज्ञात करें व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ, व्यापार में कुल कितना लाभ हुआ। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिए अभी फटाफट से, फिर मैं करवाता हूँ सॉल्व इसको। हो गया होगा क्वेश्चन नोट डाउन, चल देखेगा भाई। एक तो बंदा ए है और एक बंदा बी है भाई, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। इन्वेस्टमेंट इसका है 1,85,000 का भाई, और इसका इन्वेस्टमेंट है 2,25,000 का भाई। टाइम उसने बोल दिया एक वर्ष का अंत भाई, तो एक एक साल ले लेना, प्रॉफिट निकाल लेंगे। तो मैंने बताया है काट लिया करो भाई इनको पहले 5 से, चलो नीचे लेके काट लेते हैं, बाकी का 185, 225 5 से कट रहे हैं।
5 3 15, 5 7 35, 5 5 20, 5 5 25। तो 37:45, 37:45 के अनुपात में बांटना है पैसे को। बट इस क्वेश्चन में दिया क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है यदि एक वर्ष के अंत में बी ने 9,000 रुपये का लाभ कमाया हो, भाई उसने बताया बी को 9,000 रुपये मिलेंगे, बी को कितने मिले हैं 45 यूनिट, तो 45 यूनिट बराबर है 9,000 के। अब की बार बी का हिस्सा दिया है इसलिए बी के सामने रख दिया, एक यूनिट की वैल्यू निकलवा लेंगे, 45 × 90 200 रुपये। उसने पूछा है कुल लाभ कितना हुआ है व्यापार में। देखो यहां से दो क्वेश्चन बन सकते हैं, एक क्वेश्चन तो पेपर वाला पूछ सकता है आपको ए को कितना मिलेगा, एक यूनिट 200 तो ए को मिलेगा 37 यूनिट, तो 37 × 200 37 × 2 7,400 रुपये में, आप ऐसे भी बोल सकते हो 7,400 रुपये में ए को कितने मिलेंगे 7,400। बट उसने ये नहीं पूछा ए को कितने मिलेंगे, उसने व्यापार में कुल पूछा है, कुल जोड़ दो फिर 7,400 और 9,000 रुपये टोटल प्रॉफिट पूछा है उसने, ए का नहीं पूछा टोटल पूछा है, तो टोटल निकाल देना 9,000 × 7,400 रुपये, तो 16,400 रुपये, बस ये आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो, टोटल पूछा है ना, टोटल इनको जोड़ दो, 45 को और 37 को जोड़ दो भाई, कितने बनेंगे आपके भाई 70 82 बन गए, 82, एक यूनिट की वैल्यू 200, 82 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 82 × 200 से गुना कर देना 16,400 रुपये, बस यही उत्तर है क्वेश्चन का, 16,400 रुपये पे उतार दो फटाफट से एक बार। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, हो गया होगा उतार लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा भाई पांचवा क्वेश्चन देखिएगा बोर्ड पे, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है पांचवा, पांचवा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, चार दूध वालों ने एक चारागाह मतलब समझ रहे हो ना, जहां पे पशु चर सकते हैं कुछ खा पी सकते हैं, एक तरीके से चारागाह किराए पर लिया। एम ने 16 गायों को 3 माह तक, ठीक है, एन ने 20 गायों को 4 माह तक, ओ ने 18 गायों को 6 माह तक, तथा पी ने 42 गायों को 2 माह तक चराया। यदि किराए की राशि में M का हिस्सा 2400 रुपये है भाई, 2400 रुपये है,
तो ओ का हिस्सा ज्ञात करें, ओ का हिस्सा ज्ञात करें। एक बार क्वेश्चन को फटाफट से उतार लो भाई, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है क्वेश्चन, बट करने में बहुत शॉर्ट है। उतार लिया होगा भाई आप सबने, देखिएगा कैसे करना है। देखो, एक तो तरीका है आप इन चारों को लिख लो, M को, N को, O को, P को, सबको लिख लो। एक तरीका ये है, देखो M की तो वैल्यू दे रखी है, पूछा O के बारे में है। भाई M के तो 2400 रुपए दे रखे हैं कि इसको किराए के 2400 देने हैं, O के पूछ रहा है O को कितने देने हैं। तो N और P का यहाँ पे कोई भी यूज नहीं है, बेशक से छोड़ दो, ठीक है। यही शॉर्टकट है इसमें, देखो समझो बात को, सिर्फ M को और O को ले लो भाई। देखो करने को तो M, N, P किसी को भी ले लो तुम, कोई दिक्कत नहीं, चारों को ले लो, बट क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। क्वेश्चन वाले ने M का हिस्सा तो दे रखा, वो तो लेना मजबूरी है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। O के बारे में पूछा है तो एक M ले लो, एक O ले लो, N को और P को बीच में से छोड़ दो, ठीक है। आंसर तब भी आ जाएगा और क्वेश्चन छोटा भी हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने M ले लिया और O ले लिया। इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के तौर पे गायें, M ने कितनी गायें भाई, 16। O, O ने भाई 18, ये रहा O, O ने कितनी गायें भाई 18। समय, टाइम, M का कितना समय था भाई, 3 महीने का, तो मैंने लिख दिया यहां पे 3 महीने। O, O का टाइम है 6 महीने का भाई, 6 महीने। बस निकाल लो भी किराया, मतलब एक तरीके से प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। ये प्रॉफिट की जगह किराया आ जाएगा यहां पे, वो ध्यान रखना। काट लो भी इनको, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 × 8 = 16, 2 × 9 = 18 भाई, 2 × 4 = 8, कर दो गुना, 4 × 1 = 4, 9 × 1 = 9। तो भी 4:9, 4:9 के अनुपात में इनको किराया देना होगा। M ने कितना किराया दिया है, 2400, M ने दिया है 2400, तो 4 = 2400 के, 1 unit = किसके भाई, 600 के। किसका किराया पूछा है, O का, तो 9 unit = है कितना भाई, 1 unit में 600, तो 9 unit में कितने बनेंगे भाई, 9 × 54 = 100 बनेंगे। तो भाई कितने रुपए देने पड़ेंगे इसको, 5400 रुपए किराए के देने पड़ेंगे O को भाई। ऐसे ही अगर P के बारे में पूछता और N के बारे में पूछता, वो उनको ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। मान लो 2 के बारे में पूछता, फिर हम लोग 2 ले लेते यहाँ पे, O ले लेते, N ले लेते। मान लो सबके बारे में पूछता, फिर सबको ले लेते, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हमें शॉर्ट करना है, वो मैंने बता दिया आपको। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे, उतार लो इसको फटाफट से, हो गया होगा। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, छठे क्वेश्चन को देखते हैं भाई लोग, ठीक है। देखिएगा क्या कह रहा है सिक्स क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन है, ए ने 50,000 रुपए निवेश करके, निवेश ए ने 50,000 रुपए निवेश के साथ एक व्यापार शुरू किया। 6 महीने के बाद बी 75,000 रुपये लगाकर व्यापार में
शामिल हुआ, व्यापार में शामिल हुआ, और इसके छह महीने बाद, और इसके छह महीने बाद, और इसके छह महीने बाद सी 125,000 के साथ, 125,000 रुपये के साथ व्यापार में शामिल हुआ, व्यापार में शामिल हुआ। दो वर्ष के पश्चात ए बी व सी के लाभांश का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है भाई, क्लियर है इतना? तो फटाफट से क्वेश्चन को उतार लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार लीजिए जल्दी से। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन का समझते हैं भाई। अब एक बंदा ए है, एक बी है और एक सी है, तीन तीन बंदे हो गए हैं भाई। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। पहले इन्वेस्टमेंट तो सीधे सीधे लिख दो, 50,000, 75,000, 125,000 भाई। 50,000 रुपये तो इसने लगाए हैं, इसने 75,000 लगाए हैं, और इसने 125,000 रुपये लगाए हैं। बात क्लियर है? अब बात करते हैं टाइमिंग की भाई। अब एक चीज समझिएगा, दो साल हैं टोटल, कितने साल है? दो। तो ए ने तो व्यापार शुरू किया है, तो उसके पूरे के पूरे दो साल, और कोई कंडीशन है नहीं, इसलिए पूरे दो साल। दो साल का मतलब ही 24 महीने ले लिया मैंने, 24 महीने, एक साल में 12 महीने, दो साल में 24 महीने। आगे है छह महीने बाद बी जो है छह महीने बाद आया, ए के छह महीने बाद, टोटल 24 महीने हैं, छह महीने बाद कितने महीने रह गए? 18 रह गए, छह चले गए भाई। और इसके छह महीने बाद, इसके मतलब बी के भी छह महीने बाद, इसमें से और छह महीने घटा दो, 12 महीने रह गए। बस प्रॉफिट निकालना है आपको, मैंने बता रखा है, काट लिया करो पहले, एक दो तीन, एक दो तीन, एक दो तीन, छः दूनी 12, छः ती 18, छः चुक 24, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 पंजा 125 भाई, गुना कर दो, चार दूनी 8, तीन तिया 9, 5 दूनी 10। बस यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनेगा, 8:9:10, 8:9:10। यही पूछा था उसने, लाभ का रेशियो पूछा था, तो 8:9:10 भाई। उतारिएगा फटाफट से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर सेवन लिखिएगा भाई। 45,000 रुपए के साथ ए ने एक व्यापार शुरू किया। छह महीने के बाद 80,000 रुपये लगाकर, 80,000 रुपये लगाकर बी व्यापार में शामिल हुआ। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं।
एक वर्ष के पश्चात, एक वर्ष के पश्चात, एक वर्ष के पश्चात सी व्यापार में 1,20,000 रुपये, 1,20,000 रुपये निवेश करके शामिल होता है, निवेश करके शामिल होता है। क्लियर है? तो 2 साल बाद लाभ को ए बी व सी के बीच किस अनुपात में बांटा जाएगा, किस अनुपात में बांटा जाएगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन पढ़ लीजिए, लिख लीजिए एक बार जल्दी से। ठीक है, चलिए साथ के साथ लिख भी लिया होगा आपने। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। भाई एक बंदा ए है, एक बंदा बी है और एक बंदा सी है। इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट ए ने कितने रुपए लगाए हैं? 45,000 रुपये। बी ने कितने लगाए हैं? 80,000 रुपये। सी ने कितने लगाए हैं? 1,20,000 रुपये। ध्यान से सुनना, ए समय कितने साल का है? 2 साल का। ए के तो पूरे के पूरे 2 साल बनेंगे, मतलब 24 के 24 महीने बनेंगे इसके। तो अब 6 महीने बाद कौन आया? बी। तो 6 महीने 24 में से कम कर दो, 18 महीने। अब ध्यान से पढ़ना, 1 साल बाद पिछले क्वेश्चन में बोला गया था सी बी के 6 महीने बाद या इसके 6 महीने बाद, इसकी स्टेटमेंट अलग है। उसने कहा एक वर्ष पश्चात, मतलब शुरू से 1 साल बाद। ये मत सोच लेना जैसे पिछले में तो ये बोला गया था इसके 6 महीने बाद, इसलिए मैंने बी के टाइम में से 6 घटाया था। अब की बार बोला है सीधा सीधा 1 वर्ष पश्चात, इसका मतलब ये हुआ शुरू से 1 साल बाद। भाई शुरू से 1 साल बाद, शुरू से 24 महीने, 24 में से 1 साल चला गया तो 12 महीने रह गए। प्रॉफिट का रेशियो बना लेंगे, पहले एक बार उतारो फटाफट से, इतना करो फटाफट से उतारिए इतना। हो गया होगा इतना भाई। चलिए तो फिर काट लेते हैं, देखो 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, 3 3 0 कट रही है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। 6 2 12, 6 3 18 और 6 4 24। ऊपर वाले में से भी कट रहे हैं, एक बार ऊपर से काट लो या फिर गुना करके फिर काट लेना, जैसे तुम्हें ठीक लगे। पहले गुना कर लेते हैं, 45 की और 4 की गुना करोगे 180। भाई 45 और 4 180 होते हैं। 80 की 3 से कर लो भाई 240, 120 की 2 से कर लो भाई 240, 12 2 24 240। एक बार इतना कॉपी करो फटाफट से, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जल्दी से उतारिएगा भाई इतना। हो गया होगा इतना भाई। चलिए अब इनको आपस में काट लेते हैं भाई। 0 से 0 कट गया, कितने से कट रहा है? 6 से। 6 3 18, 6 4 24 और 6 4 24। बस यही वो रेशियो बनेगा। ठीक है, 3 का 4 4 का भाई, यही हमारे क्वेश्चन का आंसर रहेगा। लिखो एक बार जल्दी से। हो गया होगा। चलिए फिर आज इतना ही करेंगे हम लोग।
ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ के आइएगा, क्योंकि ये जो मैंने आज के क्वेश्चंस पढ़ाए हैं ये आपका पूरा का पूरा बेसिक था, एक तरीके से पूरा बेसिक इससे क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक है, कल कुछ थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, कुछ लेवल बढ़ा के क्वेश्चन सीखेंगे। करीबन 7 क्वेश्चन आज हो गए हैं, 8 से 10 क्वेश्चन हम लोग कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है, और फिर ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं होता है और इससे क्वेश्चंस भी बहुत ही कम पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर आज इतना ही पढ़ के आइएगा आप लोग। थैंक यू भाई।